जय माता की। मैं आपको बत्ती बनाने का तरीका बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ में दीपक का विशेष महत्व है। दीपक जलाने के लिए बत्तियों की आवश्यकता होती है। कोई खड़ी बत्ती का दीपक जलाता है, कोई लंबी बत्ती का दीपक जलाता है। तो बत्ती बनाने के लिए हमें आवश्यकता है रुई की और दूध की। तो पहले हम थोड़ी सी रुई लेंगे और दूध लगाकर हाथ पर इस तरह उस पर बल देंगे। और फिर इन दोनों सिरों को पकड़कर इन्हें बल देकर और इस तरह छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह खड़ी बत्ती बन जाती है। पर ध्यान ये रखना है कि बल ठीक ठीक देने चाहिए। अगर आप कम बल दोगे तो ये बत्ती सही नहीं बनेगी। इस तरह बल देकर बत्ती बढ़िया बनती है। और दूध लगाने से ये बत्ती टाइट हो जाती है यहाँ से, और ये बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। तो इस तरह। और लंबी बत्ती बनाने के लिए पहले हम हाथ पर ये थोड़ा सा दूध लगाएंगे और रुई लेकर और इस तरह इस तरह लंबी बत्ती बन गई है। और बहुत से व्यक्ति, जैसे सावन का महीना है, कार्तिक का महीना है, तो उसमें तार वाली बत्ती जलाते हैं। तार वाली बत्ती इस तरह बनती है। ये इस तरह तार निकाल कर इसमें बल दिए जाकर इस तरह तार निकाल कर बत्ती बनानी पड़ती है। पर ध्यान ये रखना है कि तार कच्चा ना रहे। अगर आपको शिव जी के लिए बत्ती बनानी है तो आपको इन तीन उंगली पर तीन तार की बत्ती बनाएंगे, 1, 2 और 3। इस तरह ये तीन तार भी हैं, ये तीन तार की बत्ती बनेगी। और विष्णु भगवान की अगर आपको बनानी है तो इन चार उंगली पर इस तरह ये 5 तार की बत्ती बनेगी, 2 और ये 3, 5 इस तरह। अगर आपको ये लग रहा है कि तार कच्चा रह गया है तो आप इसे बीच में और ना खींच कर उसे पहले बल देकर घुमाकर मजबूत बना लें, फिर आगे घुमाएं। ये 5 तार की विष्णु भगवान की, और सूर्य भगवान की 12 तार की बनती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।